मात्र 31,000 रुपये में एंटी थेफ्ट अलार्म के साथ आता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। जानिए कीमत, रेंज, बैटरी और फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, मात्र 31,000 में अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो नया सस्ता वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है कई सारे फीचर्स के साथ। रेंज जानते हैं, कीमत जानते हैं और फीचर्स भी जानेंगे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आपको ये 31,000 वाला गाड़ी खरीदना है। तो आइए पहले गाड़ी का फर्स्ट लुक देखते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आप लो बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की तलाश कर रहे थे तो यहां जान लीजिए दोस्तों, मार्केट में मौजूद है विकल्प में से उजास EZY इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसकी कंप्लीट डिटेल देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस गाड़ी का जो कंपनी का नाम है उजास है और इसका EZY मॉडल है, उसी मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। मात्र 31,000 रुपए में यह गाड़ी आ रहा है। गाड़ी का पहले फर्स्ट लुक देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये रहा रेड एंड ब्लैक कलर का उजास का EZY इलेक्ट्रिक स्कूटर, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है। आपको बता दें थोड़ा सा पतला टाइप का गाड़ी आपको है, लेकिन काफ़ी स्मार्ट बनाया गया है, बहुत ही स्टैंडर्ड गाड़ी है। देख सकते हैं हल्का के साथ साथ जो है बहुत ही स्टैंडर्ड बनाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन भी जो है रेड एंड ब्लैक दिया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर है। गाड़ी का मॉडल बहुत ही बढ़िया है, आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ड्रम ब्रेक मिलेगा। बड़ा सा आपको यहाँ पर हेडलाइट भी देखने को मिल जाता है। गाड़ी जो है ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो थोड़ा सा हल्का है, लेकिन स्मार्ट बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। आप आराम से जो है लोकल सफर कर सकते हैं। गाड़ी के मॉडल भी बहुत ही बढ़िया है, काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और अभी बता दें कि पिछले महीना जो है 10,000 से ज्यादा गाड़ी जो है इस गाड़ी को अभी तक दिल्ली से खरीदा जा चुका है, यह भी कंपनी बताई है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, उजास EZY इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों व्हील में जो है ड्रम ब्रेक दिया गया है, जिसके साथ ही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। फोटो जो है बाइक देखोगे तब से लिया गया है। बता दें दोनों में जो है डिस्क ब्रेक नहीं दे करके ड्रम ब्रेक है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो डिस्क ब्रेक आप यहाँ पर मत ढूंढिएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेक्टर में जो है 50 से ज़्यादा कंपनियाँ के इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है, जिसमें से आज हम बात करने जा रहे हैं कम कीमत में आने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि अपनी कीमत और लंबी रेंज का दावा करता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कीमत भी कम है, रेंज भी लंबी है, कंपनी की तरफ से ये दावा किया गया। आगे बात करें दोस्तों, तो कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर आज हमारे पास है उजास EZY इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कंपनी की कम कीमत के अलावा हल्के वजन और रेंज को लेकर के काफ़ी पसंद आ रहा है। तो जैसे कि हम आपको बताएं, रेंज भी काफ़ी अच्छा है, कीमत भी कम है, थोड़ा सा हल्का वजन है, इसलिए गाड़ी जो है ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, आप भी इसको पसंद कर सकते हैं। बात करते हैं, तो अगर आप जो है कम बजट के इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश कर रहे थे तो तमाम विकल्पों के बीच जो है उजास EZY इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है। कंप्लीट डिटेल इसमें जानेंगे, कीमत, बैटरी पैक, रेंज सहित सो टोटल डिटेल हम लोग यहां पे जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कीमत के बारे में ही बात कर लेते हैं, उजास EZY की प्राइस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बात किया जाए दोस्तों, तो कंपनी जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मात्र 31,880 रुपये के एक शोरूम दिल्ली में लॉन्च किया है, साथ में मार्केट में उतारा गया है। ऑन रोड कीमत में जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है, 34,863 रुपए तक जा सकती है अलग अलग शहर में, तो इतना थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो उजास EZY की बैटरी और मोटर के बारे में बात करेंगे। तो उजास EZY इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी जो है 48 वोल्ट और 26 AH वाला क्षमता वाला लिथियम आयन बैटरी पैक लगाया है, जिसके साथ ही 250 वाट का जो है पावर वाला हब मोटर दिया गया है। इस बैटरी की चार्जिंग को लेकर के जो है कंपनी का दावा है कि जो है नॉर्मल चार्ज से चार्ज कीजिएगा तो ये बैटरी जो है 6 से 7 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें नॉर्मल चार्ज से चार्ज में जो है 6 से 7 घंटा में आपको फुल चार्ज हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो गाड़ी की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो आपको बता दें कंपनी के वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आप आ जाएंगे ये उजास के वेबसाइट पर, यहाँ लोगो देखने को मिल जाता है। बात किया जाए तो उजास का यहाँ पे बाइक भी स्कूटर भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ये उजास का जो है स्कूटर यहाँ पर दिख रहा है। धीरे धीरे आप जो है नीचे आएंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश वगैरह की ये कंपनी है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। गाड़ी इसका देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आप नीचे आएंगे तो उजास के कुछ लोग जो है गाड़ी खरीद रहे हैं, ये भी यहाँ पे पिक्चर इन्होंने डाला है। आगे बात करें तो धीरे धीरे आप जो है कंपनी से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेल टू अस यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ईमेल आईडी भी है, सोशल मीडिया हैंडल भी है, यहाँ पर बहुत सारा है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, किसी में भी जो है संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सअप मिले जाएगा, डायरेक्ट उजा उनका देखिए व्हाट्सअप पर नंबर भी है, यहाँ से आप चैट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उजास के जो है आसानी से इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं और गाड़ी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए गाड़ी के बारे में और डिटेल में जान
जानते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों उजास EZY के रेंज और टॉप स्पीड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रेंज को लेकर के कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने के बाद 60 किलोमीटर की रेंज देता है। इसी रेंज के साथ आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड भी मिल जाएगा। तो 60 किलोमीटर तक अगर आपको डेली चलना है तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं, 25 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलेगा। और बात करें तो इसे चलाने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो उजास EZY की ब्रेकिंग और सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी जो है फ्रंट और रियर दोनों में जो है आपको बता दें ड्रम ब्रेक दिया गया है, जिसके साथ ही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। स्कूटर में आपको एलॉय व्हील मिल जाएगा, साथ में ट्यूबलेस टायर जोड़ा गया है। वहीं बात करें तो सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिंग सस्पेंशन सिस्टम है और रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम से जोड़ा गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी अच्छा है। आगे बात करें तो उजास EZY के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उजास EZY इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ने जो है चार्जिंग पॉइंट दिया है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल दिया है, डिजिटल स्पीडोमीटर दे दिया है, डिजिटल ट्रिप मीटर है, एंटी थेफ्ट अलार्म है, डिजिटल ऑडोमीटर है, कीलेस राइडिंग है, रिवर्स ड्राइविंग गियर है, पास स्विच है, उसके बाद LED हेडलाइट, LED टेल लाइट है, LED टर्न सिग्नल, लो बैटरी इंडिकेटर जैसे फीचर्स है। फीचर्स के मामले में दोस्तों बहुत सारे फीचर्स है, आपको इतना कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी में फीचर्स पूरा दिया हुआ है। गाड़ी कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। गाड़ी से कॉन्टैक्ट करने के लिए, कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको बता दिया गया है, वहाँ पर नंबर वगैरह सारा कुछ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में भी और कॉल करके भी। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।